हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो आज हम करते हैं एक और केसलेट। केसलेट में गिवन क्या है, फाइव कंपनीज ए बी सी डी एंड ई सॉ ग्रोथ रेट रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 15% इन इन द ईयर 2015। ओके सो क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि पांच कंपनी है ए बी सी डी ई, ठीक है, इन्होंने ग्रोथ रेट देखा 2015 में किसकी रेंज में, 10% और 50% की रेंज में। ओके सो पांच कंपनी है ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये पांच कंपनी है, इन्होंने ग्रोथ रेट देखा 2015 में कितने से कितना, 10% से 50% के बीच में। ठीक, आगे का गिवन है दी कंपनी ए विद दी लीस्ट रिवेन्यू ऑफ रुपीज 600 crores इन 2015 सॉ द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ 50%। अगर हम बात करें रिवेन्यू की 2015 में, सो ए को कितना मिला, लीस्ट रिवेन्यू सबसे कम मिला कितना, 600, कितना मिला 600 crore, किसमें, 2015 में। ये हम बात करें रिवेन्यू की 2015 में, ठीक है, 2015 में रिवेन्यू की अगर हम बात करें, सो ए को कितना मिला, 600 crore, और उसको जो ग्रोथ रेट थी वो मैक्सिमम मिली कितनी, 50%, कितनी मिली 50%, ठीक है, कितनी मिली 50%। ओके ये क्या बता रहा है, ये ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट है, ठीक, क्या है, ग्रोथ रेट। ऑलराइट, और आइए गिवन है एंड द कंपनी डी विथ हाईएस्ट रिवेन्यू, कंपनी डी का हाईएस्ट रिवेन्यू है, सो द लीस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 10%, इसको कितना परसेंट मिला, सिर्फ 10% ग्रोथ रेट, ठीक है। कंपनी बीज रिवेन्यू इन 2016 वाज इक्वल टू दी टू दैट ऑफ कंपनी डी इन 2015। ओके सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि कंपनी बी का रिवेन्यू 2016 में, अगर हम बात करें 2016 में कंपनी बी का रिवेन्यू इक्वल है किसके, कंपनी डी के रिवेन्यू के 2015 में, मींस कंपनी बी का 2016 में रिवेन्यू, इसको मानते हैं एक्स, ये इक्वल है कंपनी डी का 2015 में रिवेन्यू के, ठीक है, ये चीज गिवन है। इसके आगे गिवन है वाइल कंपनी सीज 2016 रिवेन्यू, कंपनी सीज 2006 रिवेन्यू was equal to that of company B's in 2015. 2016 में जो C का revenue है, मान लेते हैं सिर्फ Y, वो equal है किसके, B के 2015 में revenue के, ठीक है, ये चीज़ given है, alright। और इसके आगे given है company A's 2016 revenue, company A's 2016 revenue ये कितना हो जाएगा, देखिए 600 करोड़ इसकी रिवेन्यू थी, उसमें 50% का ग्रोथ हुआ, इसका मतलब इस पे 50% की इंक्रीमेंट होगी, तो अगर हम 600 का 50% निकालें कितना होगा, 300, तो अगर हम 2016 में देखिए तो कितना होगा, 600 प्लस 300 मींस 900, 2016 में रिवेन्यू कितना हो जाएगा, 900। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कंपनी एज 2016 रिवेन्यू was equal to that of company E's in 2015, ये किसके इक्वल है, कंपनी E के 2015 में, मींस ये कितना है, 900, कितना ये 900, ऑलराइट। और आई गिवन है जॉन एन अकाउंटेंट ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ द कंपनी हैज ट्वाइस द ग्रोथ रेट ऑफ अनदर। जॉन है एक अकाउंटेंट, उसने क्या बोला कि एक कंपनी में ऐसा है कि जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो दूसरी से डबल है, वो दूसरी से डबल है। इसके आगे गिवन है मैथ्यू हिज कलीग करेक्ट्स हिम एंड सेज दैट दिस इज द केस इन टू डिफरेंट इंस्टेंसेस। उसने बोला, देखिए जॉन ने क्या बोला कि एक कंपनी ऐसी है जिसका दूसरी कंपनी से ग्रोथ रेट डबल है। मैथ्यू उसका एक कलीग है, उसने ये उसने उसे करेक्ट करा, उसने बोला कि ऐसा एक कंपनी के साथ नहीं है, ऐसा दो कंपनी के साथ है, ऐसा एक कंपनी के साथ नहीं है, ऐसा दो कंपनी के साथ है, क्या कि दो कंपनी ऐसी हैं जिसकी ग्रोथ रेट दूसरे से डबल है, जिसकी ग्रोथ रेट
दूसरे से डबल है। मींस जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, एक का 50% है तो दूसरे का 100% है, एक का 10% है तो दूसरे का 20% है, ऐसी दो कंपनीज हैं। ठीक, उसने ये बोला। तो हमने क्या देखा कि दो कंपनी ऐसी हैं जिनकी ग्रोथ रेट ट्वाइस है, जिसकी ग्रोथ रेट ट्वाइस है। ठीक, आगे ये बिना कंपनी ई हैज़ अ रिवेन्यू, कंपनी ई हैज़ अ रिवेन्यू इक्वल टू द एवरेज सीन इन कंपनी ए एंड डी। कंपनी ई का जो रिवेन्यू है वो एवरेज है किसका, कंपनी ए और कंपनी डी का, कंपनी ए और कंपनी डी का। मींस अगर हम इसको निकालें कि कंपनी ए का रिवेन्यू प्लस कंपनी डी का रिवेन्यू, इसका जो एवरेज है वो किसके इक्वल है, कंपनी ई के रिवेन्यू के इक्वल है। मींस ये कितना है 900, ए कितना है 600, तो ये कितना होगा, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 1200, कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा ये 1200। ठीक है, ए प्लस डी का जितना रेवेन्यू है उसका एवरेज ई का रेवेन्यू है, क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है। तो ये कितना हो गया 1200, ये 1200 है तो ये भी इसके इक्वल था, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 1200, ये भी क्या हो गया 1200। ऑलराइट, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके आगे क्या गिवन है, एंड ग्रोथ रेट इक्वल टू द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ ए एंड डी, और जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज है ए और डी के, ए और डी का एवरेज मींस 50 + 10 / 2 और वी कैन से 30%, इसका जो एवरेज है जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 30%, ग्रोथ रेट कितना है इसका 30% है। ऑलराइट, अब इसके आगे गिवन है, राम नोन फॉर हिज क्रिप्टिक स्पीक मेंशन्ड दैट इफ कंपनी सी हैड ग्रोथ एट द रेट सीन बाय कंपनी ए इन 2015 वुड हैव रीच द रेवेन्यू सीन बाय कंपनी बी इन 2016। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, उसने बोला है कि कंपनी सी का अगर ग्रोथ रेट कंपनी ए के ग्रोथ रेट के इक्वल होता तो 2016 में, तो 2016 में जो इसका रिवेन्यू होता वो कितना होता, बी के रिवेन्यू के बराबर, बी के 2016 के रिवेन्यू के बराबर। इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, राम बोल रहा है कि अगर सी का ग्रोथ रेट 50% होता तो उसका 2016 में जो रिवेन्यू आता वो इतना आता, 1200 आता, उसका रिवेन्यू कितना आता 1200 आता। इसका मतलब जो इसका 15 में रिवेन्यू है वो कितना होगा, देखिए उसका 15 में रिवेन्यू कितना होगा, अगर उसका ग्रोथ रेट 50% होता, अगर उसका ग्रोथ रेट 50% होता, मान लेते हैं ये कितना है 100% है, मान लेते हैं ये कितना है 100% है। ठीक है, अगर उसका ग्रोथ रेट 50% होता मींस 150% होता तो वो किसके इक्वल हो जाता, 1200 के इक्वल हो जाता, तो वो किसके इक्वल हो जाता 1200 के इक्वल हो जाता। तो अगर हम इसे यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आराम से ना, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 2/3, और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 800, कितना हो गया 800। देखिए आप अगर हम इसे निकालें कि अगर इसकी ग्रोथ रेट 50% होती मींस इसका 50% क्या हो जाएगा 400। ठीक है, तो इसका 2016 में कितना हो जाता, 800 प्लस 400 1200 इसके इक्वल हो जाता। ये चीज ध्यान देने वाली है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या रह गया है, इसको अगर हम लिखें, देखिए ये इसका ग्रोथ रेट क्या है 10% है, तो इसका 10% क्या होगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 1320। सिमिलरली इसकी ग्रोथ रेट कितनी है 30%, इसका 30% क्या हो जाएगा 270, इसमें अगर हम 270 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0711 1170। ठीक, हमारे पास अब वैल्यू क्या क्या रह गई है, इसकी वैल्यू रह गई, इसकी वैल्यू रह गई और ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली गई थी, क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन थी कि जो ग्रोथ रेट है वो 10 से 15 के बीच में है और दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी ग्रोथ रेट दूसरे से डबल है, जिनकी ग्रोथ रेट दूसरे से डबल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं,
अगर हम इन दोनों को एक दूसरे का डबल करें, मींस अगर हम इसको 12 माने और इसको 24 माने, तो क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ रेट दूसरे से डबल है। यहाँ पर सिर्फ एक ही, यही तो कंपनी है जिसका दूसरे से ग्रोथ रेट डबल है। लेकिन ऐसी दो कंपनियां हैं, इसका मतलब 12 तो हो नहीं सकता भैया, 12 नहीं हो सकता। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं 20 ले, और इसको 40 ले लें, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये चीज़ हो सकती है एक बार को। तो अगर हम ट्राई करें, इसमें एक चीज़ और गिवन है क्या, कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो क्या 40 और 20 रखने से ये इक्वल आएंगी? एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम निकालें इस वैल्यू को, अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 120, सॉरी 1200 इक्वल होगा 140 के, तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको देखें तो 800, 100 इंटू 120, ये तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब 20 और 40 नहीं हो सकता है, 20 40 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और क्या वैल्यू हो सकती है? अगर देखिए हम इसकी वैल्यू को 25 लें और इसकी वैल्यू को 20 लें, 50 इसका डबल है और 20 इसका डबल है, अगर हम ये चीज़ लेते हैं, अब ट्राई करते हैं क्या ये दोनों इक्वल आती हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 1000, ठीक है कितना आया, 1000। और अगर हम इसको देखें, 800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, 4 5 200, ये 1000, ये दोनों से इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कितना है, ये 20% है, और ये कितना है, 25% है, ये 1000 और ये कितना है, 1000। ये लास्ट वाली दो चीज़ समझने वाली हैं, इसको प्लीज़ एक बार ध्यान से समझिएगा, मैंने 20 और 25 क्यों लिया। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू और हो नहीं सकती है। ओके, सो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट सीन बाय ऑल फाइव कंपनीज पुट टुगेदर? एवरेज ग्रोथ रेट कितनी होगी, 70, 100, 110, 135, 135 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएगी, 27%, कितनी हो जाएगी, 27%। नेक्स्ट गिवन है, विच कंपनी हैड द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट? सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी है, फर्स्ट इसकी है, सेकंड है 30%, किसकी है, ई की, ई की क्या है, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रिवेन्यू ऑफ कंपनी सी इन 2016 इज वॉट परसेंट ऑफ रिवेन्यू ऑफ ए इन 2016? तो अगर हम देखें, रिवेन्यू ऑफ सी 2016 में कितना है, 1000, ये रिवेन्यू ऑफ ए इन 2015 मीन्स 600 का क्या परसेंटेज है? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 500, 500 बाय 3%, कितना आएगा, 500 बाय 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स विच कंपनी एडेड द मैक्सिमम रिवेन्यू इन 2016? सो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच कंपनी एडेड द मैक्सिमम, किस कंपनी ने सबसे ज्यादा ऐड करा 2016 में? तो अगर हम देखें, इस यहां पर कितना था, 600, और यहां पर कितना है, 900। ठीक है, तो इसने कितना ऐड करा, 300 ऐड करा 2016 में। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसने 200 ऐड करा, इसने भी 200 ऐड करा, इसने कितना, 120 ऐड करा, इसने कितना, 270 ऐड करा। तो मैक्सिमम किसने ऐड करा, ए ने ऐड करा, कितना, 300 करोड़। आई होप ये केस स्टेट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।